अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शेख शेख आपसे एक सवाल है। इतना अपन परेशानी में है, मुसीबत में है या बीमारी में है तो दुआ करते हैं बीमारी या परेशानी दूर जाना बोल के। एक हमारे दोस्त एक हदीस सुना है, मैं बहन ने भी सुना, तुम दुआ मत करो, खाली दुर्द शरीफ की कसरत से पढ़ो, वही काफी हो जाएंगे आपको दुर्द शरीफ बोल के बोले। आप इसके बारे में तफसील से जरा मेरे को बोले करे बयान या वीडियो बना के बोले तो मालूम होता। एक हद तक बात सही है, जरा बोलिए तो आप, मेहरबानी आपकी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला आपके पास आते हैं और पूछते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आप पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम भेजता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ते रहता हूँ, तो कितना मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूँ। हदीस का मेन मकसद ये है कि सहाबी पूछना चाह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी दुआ का पौ हिस्सा 25% आप पर दुरूद सलाम भेजूँ। तो आपने फरमाया, माशीत फैनजिता फ़व खैरुल्लक, तुम्हारी मर्ज़ी, इससे ज़्यादा भेजे अगर मुझ पर दुरूद तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी दुआ का आधा हिस्सा 50% आप पर दुरूद सलाम भेजूँ। तो आपने फरमाया कि माशीत फैनजित फ़व खैरुल्लक, आपकी मर्ज़ी, अगर तुम उससे ज़्यादा भी भेजो दुरूद सलाम मुझ पर तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर वो साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी दुआ का दो तिहाई हिस्सा यानी 60-70% आप पर दुरूद सलाम भेजूँ। तो आपने फरमाया, फिर वही फरमाया कि माशीत फैनजित फ़व खैरुल्लक, आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहे तो ज़्यादा भेजें तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर वो साहबी फ़ाइनल कहा कि तो फिर अल्लाह के रसूल, मैं अपनी दुआ का पूरा हिस्सा आप पर दुरूद सलाम भेज कर गुजार दूँगा। तो आपने फरमाया, इदन तुकफा हम्मक व युग़फ़रुलक ज़म्बक, अगर तुम ऐसा करोगे सारी की सारी दुआ, क्योंकि दुरूद शरीफ भी दुआ है, तो सारी की सारे टाइम जो है ना तुम मुझ पर दुरूद शरीफ भेजते रहोगे तो अल्लाह सुभानहु व तआला तुम्हारे तमाम दुनिया आखिरत के हम व गम परेशानियाँ दूर कर देगा, और युग़फ़रुलक ज़म्बक, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हदीस के मुतालिक उलमा के मुख्तलिफ अख़वाल हैं। वैसे तो ये हदीस दूसरे अहादीस से मिलकर कवी हो जाती है, मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजने के बहुत सारी अहादीस आई हैं। जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजना, जो कोई मुझ पर दुरूद भेजेगा अल्लाह सुभान व तआला उस पर बीज पलटा कर दुरूद भेजेगा, उस पर जो है ना सलामती भेजेगा। तो बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन इस हदीस को बाज़ उलमा जो है ना ज़ईफ़ करार देते हैं, और उलमाए असर में से आज के ज़माने के मुहद्दिसीन जो है उनमें से एक मसर के एक बहुत बड़े शेख हैं, शेख मुस्तफ़ा अल अदवी, वो मुहद्दिस हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसके अंदर ज़ौफ़ है। हदीस तिर्मिज़ी है, और ये इस हदीस को अल्लामा अल्बानी अपनी सिलसिलतुस सहीहा में ज़िक्र किए हैं। हदा वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।